ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में एनआरसी और सीएबी बिल के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन के मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर सभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान के संविधान में भी लंबा सहारा है। मैं इस वक्त गांधी के सदन में हूं, मौलाना आजाद के सदन में हूं। उसने देश को आजाद करने के लिए जो आत्मतशद्दुद का रास्ता हमें सिखाया है, अहिंसा का रास्ता सिखाया है, हम उससे डगर भर भी तुमको हटने की इजाजत नहीं देंगे। संपत्ति सरकार की है वो हमारी है, स्कूल हमारा है, सड़क हमारी है, रेल की पटरियां हमारी है। ये अफसर भले ही कुर्सी पर बैठता है लेकिन उसकी तनख्वाह हम देते हैं। वो माकर हमारा है, वो कुर्सी भी हमारी है। मैं तुमको दो तीन बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो आज के दिन में जो सीएए बना है ये क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल दरअसल इस मुल्क में दो नजरिया सावरकर ने जो दिया था, टू नेशन थ्योरी, यानी कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को बांट दिया जाए, उसी की तेवार नजरिए का नतीजा है। और क्या कहा था, आज 40 पन्नों ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के दरबार पर भुट्टा फेंकने वाले थे, मुल्क की आजादी के लिए कभी कदम कटाने वाले नहीं थे। अब जो मुल्क की आजादी के लिए कदम नहीं कटाया है, मुल्क से उसको मोहब्बत भी नहीं होगी। हम आजाद के संतान हैं, गांधी के राह पर चलने वाले हैं, हम कट जाएंगे लेकिन अपने मुल्क को बर्बाद होने नहीं देंगे। ये संकल्प हमने निकाला है। ये मामला 1986 का था और जंग चल रही थी, थाना जंगी चल रही थी आसाम में। उस वक्त बांग्लादेशी और विदेशी का नारा चला था। उस वक्त कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी ने सिर्फ आसाम के लिए एनआरसी लागू किया था कि वहां के लोगों का मामला तय किया जाए। दरमियान में कई बार हुकूमतें बनी, कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने उसका हाथ नहीं डाला। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हाथ डलवा कर वहां एनआरसी का मामला लागू करवाया। जब उसमें देखा यह गया मोदी सरकार के चाल चलन को देख लो, यही मोदी और यही अमित शाह जब 2002 में गुजरात में था तो 2002 में गुजरात में मेरे माँ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी थी। बाप के सामने में बेटी के कपड़े उतारे गए थे, भाई के सामने उसकी बहन पर रेप हुआ था, आठ महीने की हामला औरत के पेट के बच्चे को निकाल कर चलाया गया था। मोदी ने सभा से गुजर लिखा था और मोदी को शर्म नहीं आई। राजनीति का ये रंगा और बिल्ला, ये मोदी और ये अमित शाह को शर्म नहीं आई, बल्कि उन्होंने कहा कि गुजरात के इसी तजर्बे को पूरे हिंदुस्तान में हम लौटाएंगे। बदकिस्मती से आज हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा है। जरा गौर करो क्या क्या इसने किया। इसने लाया तलाक बिल, उसने दस्तक दिया तुम्हारे बैठक में दंगा मारा कि घर वाला जगह हुआ है कि नहीं करा हुआ है, देखा सोया हुआ है सड़क पर नहीं उतरा, तो फिर तुम्हारे ठीके के घर में जाकर दंगा मारा, फिर 370 को खत्म किया, कहा ये सड़क पर नहीं आया। बाबरी मस्जिद के फैसले हुए, कहा सड़क पर नहीं आया। मौत का गनीमत है, ये कौन गलत में नहीं बल्कि नशे के आलम में सोई हुई है। अब इसके सिटीजनशिप को भी बर्बाद करो, तो नतीजा ही हुआ कि वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश किया। लेकिन आज अब तक यह है कि यह हमारा आखिरी सरमाया है, सिटीजनशिप नागरिकता किसी देश के वैध नागरिक होने के लिए तो प्रमाण पत्र।